जाते हैं, डियर्स पाए जाते हैं, वो डांसिंग डियर्स के नाम से काफी मशहूर है। ये देखो यहाँ का फ्राइड राइस बेसिकली हम लोगों ने मंगवाया, कितना बढ़िया से लेकर आए हैं। ये नीचे एक टोकरी जैसा। दोस्तों गाड़ी पे कैसे कब्जा करते हैं, अगर सीखना है तो मुझसे सीखो। बोलो भैया। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ इम्फाल में यूथ हॉस्टल में। भाई यहाँ पे आके आप यूथ हॉस्टल में ही रुकना अगर इम्फाल में आते हो तो। 160 रुपये में बेड मिला है, ये सारा बेड मेरा ही है, मतलब अब और लोगों को मैंने दे दिया है रहने के लिए। सब स्क्वेयर बोर्ड वाले नए नए लड़के आए, मैंने बोला रहो लो। और ये रहा मेरा वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही चकाचक था। यहाँ पे मैंने अपना डाला हुआ है, ये जहाँ जूते रखते हैं यहाँ पे, ये मेरी चड्डी है, ये मेरा तेल है, वो भैया है। तो बेसिकली ये है कि कल जो हमारे रोमी भाई नहीं थे, जो हमें वो वहाँ से लेकर आए थे रास्ते में, आप लोगों को कई बार मैंने मिलाया था रोमी भैया से, तो रोमी भैया और मैं दोनों जा रहे हैं मोरंग घूमने के लिए। बाकी ये अपने भाई हैं एक, हेलो ब्रो, कल रात को आप इनसे मिले थे, बस इनका चेहरा नहीं दिखा था क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें थे, शेड में थे। जल्दी से यहाँ निकलना है क्योंकि थोड़ी देर में रोमी भाई आके बुलाने लगेंगे। और ये भी घूमने आए है ना आप लोग। आप पता है एक मेरे भैया हैं, अरविंद नाम है उनका, वो राजस्थान के हैं एकदम, थोड़ा थोड़ा आपका चेहरा उनसे मिल रहा है, उनके बाल छोटे छोटे अगर आपके रहते ना तो आपका चेहरा उनसे मिलता। अरविंद भैया अगर देख रहे हो आप तो बताना, आपका हमशक्ल मुझे दूसरा मिल गया, एक तो इरफान जुनेजो और दूसरा ये, आपका नाम भैया क्या है? आदित्य गुल्डा। आदित्य जैसे होता है वैसे आदित्य, यहाँ भी है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, यूथ हॉस्टल ही आकर रुकना भाई, बहुत ही परफेक्ट जगह है, बहुत ही परफेक्ट जगह पूरे इम्फाल को एक्सप्लोर करने के लिए, पूरे इवेंट मुझे लगता है पूरे के पूरे उसको मणिपुर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मणिपुर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बड़ा है इंडिया, इतना बड़ा नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, अब उत्तर प्रदेश कहाँ मणिपुर, समझ ही रहे हो। नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस एरिया मास के कंपेयर कर रहा था। चलो चलते हैं, ठीक है भैया, बाय, मिलेंगे। क्या चलो ना, हम यहाँ कि मतलब यही बकचोदी करनी है, मुझे उधर जाना है बस, मैं अपना ट्रैवल रख दूँ उसके बाद चलूँगा। देखा डायरेक्ट मैं रोड से कार में बैठ गया, सॉरी आपको बताया नहीं कि अपने रोमी भाई कल आपने इनसे मिले, इनसे आप कल मिले ही थे, तो भैया और मैं आज जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली भैया अभी कल चले जाओगे आप वापस? मैं परसों जाऊँगा। परसों जाओगे, तो एक दो दिन भैया भी अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं यहाँ पे, फिर मेरे संग भी कर लेंगे, क्या दिक्कत, मैं भी फैमिली की तरह ही हूँ। अब मैं और भैया निकलने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? मोरंग जाएंगे। तो मोरंग ही जाएंगे, डायरेक्ट घूमेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे शाम तक, शाम तक तो आ ही जाएंगे। हाँ। शाम तक वापस आ जाएंगे। यहाँ से कितना किलोमीटर है मोरंग? यहाँ से 50 किलोमीटर होगा। चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे। CNG है क्या ये गाड़ी? CNG है, पेट्रोल है? पेट्रोल है। चलो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आप लोगों को बताता हूँ। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे कोई वो है ना, फेस्टिवल है ना, वही वो फेस्टिवल ही मेन देखने के लिए मैं और भैया जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज कितने साफ लग रहे हैं, कल हम दोनों ऐसा लग रहा था कि कूड़ा उठाने वाले हैं। और आज देखो, चलो चला जाए। अभी कुछ देर के लिए हम आए हुए हैं, ये सफाई चल रही है शंघाई फेस्टिवल की, शंघाई फेस्टिवल में ही हम जा रहे हैं। इंडियन इसको बोलते हैं, यहाँ पे जापानीज और इंडियन में जब वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में हुआ था तब का ये वॉर सिमेट्री है। यहाँ पे काफी जापानीज आते हैं तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखो जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। और ये रहा, यहाँ पे ऐसा भैया बता रहे थे, यहाँ पे जिनकी दुकान है वो अभी मिलाता हूँ, वो बता रहे थे कि जितने भी आर्मी के हमारे जापानीज आर्मी के हमारे जवान थे जब वो शहीद हुए थे तो उनको यहाँ पे लाके एक जगह पे इकट्ठा करके उनकी अस्थियों को डाला गया था। भाई आज जापानीज शांत है, जापानीज वो थे जो दुनिया को पानी पिला दे रहे थे। ये है वो वॉर सिमेट्री, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ये हमारे INA वर्ल्ड वॉर सेकंड के हिसाब से, मणिपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। और एक चीज मुझे अभी पता चली कि हमारे जो पोलो गेम है, जो घोड़े पे बैठ के एक डंडे से एक बॉल को मारते हैं पोलो यहाँ पे ही ढूंढा गया था, सबसे पहले पोलो यहीं पे स्टार्ट हुआ था मणिपुर में ही। दादा पोलो को आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो? एक मिनट, क्या कहते हो? सगोन कंगजे। साइकोन सगोन कंगजे। सगोन कंगजे, सगोन कंगजे ऐसा कहा जाता है कि जो मैतेई हमारे मणिपुर के मैतेई कम्युनिटी है, तो मैतेई कम्युनिटी में जो इनके भगवान थे उन्होंने इस गेम की स्टार्टिंग की थी, है ना दादा?
पाखन बा बोलते हैं उनको, तो उन्होंने इस गेम की स्टार्टिंग की थी ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसे माइथोलॉजी है इनकी। बाकी अब मैं और हमारे रोमियो दादा हम दोनों जाएंगे, भैया हम दोनों जाएंगे मोइरांग जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी और मैं और रोमियो भैया दोनों लोग आए हुए हैं जगह पे घूमने के लिए। जैसे आपने नागालैंड में, हम मैं आप लोगों को काफ़ी दिन से बता रहा था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है, तो उसी तरह से हमने मणिपुर में होता है 21st of November से लेके 30th of November तक या 31st of November तक एक फेस्टिवल होता है जिसको सेंगाई कहते हैं। मुझे पहली बार पता चला कल इसके बारे में जब मैं यूथ हॉस्टल में गया तो, और अभी और उसको जस्ट जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके अगले ही दिन स्टार्ट हो जाता है हॉर्नबिल। तो आप आ सकते हो मणिपुर में घूमने के लिए। बाकी ये देखो ये एथनिक पार्क बना हुआ है जहाँ पे ये स्टार्ट होगा, मतलब अपने पूरे पूरे मणिपुर में 13 जगहों पे ये स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। बाकी अंदर पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि कैसे जो अपने मणिपुर का कल्चर है, जितने मतलब ट्राइब्स हैं उनके बारे में, और यहाँ का बेसिकली कल्चरल नॉलेज हेरिटेज एक तरह से आप बोल सकते हो। अभी चलते हैं अंदर अंदर देखते हैं। काम स्टार्ट मतलब काम तो ख़त्म ही हो गया, कल यहाँ पे स्टार्टिंग होगी उसकी, क्या बोलते हैं अपने पाक की। कहाँ जा रहे हो? ये कल स्टार्ट होगा अपना सेंगाई फेस्टिवल, तो कल तो रहूँगा मैं इम्फाल में, तो इम्फाल में जाएंगे हम। 13 जगहों पे हो रहा है अपने पूरे मणिपुर में। अब कहाँ कहाँ हो रहा है ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आप अगर इम्फाल के आसपास में तो इम्फाल और मोरेंग करके एक जगह वहाँ आके घूम सकते हो। बाकी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखो, ये इसी को सेंगाई कहते हैं ना। हाँ चलो अंदर चलते हैं, चलो चलते हैं अंदर, अंदर दिखाता हूँ आपको कैसा कैसा बना। आ जाओ मणिपुर में सेंगाई फेस्टिवल। आज दादा के संग कहाँ कहाँ जाऊँगा कुछ पता नहीं है। अभी ये मुझे लेके जा रहे हैं खैबुल लैम्बोजो नेशनल पार्क। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पे इकलौती सेंगाई एक ऐसे तरह का डियर पाया जाता है जो ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं पाया जाता, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं पाया जाता। खैबुल लैम्बोजो नेशनल पार्क यहाँ पे एक ऐसे तरीके का वो पाया जाता है ना, डियर पाया जाता है जो कि ये देखो ये जो सामने देख रहे हो आप ये लेक है, ठीक है। तो जगह जगह पे इसमें लेक्स हैं, तो ये जो इसकी मिट्टी है ना थोड़ी दलदली है, बिलबिल बिलबिल करती है, तो इसमें जो वो पाए जाते हैं डियर्स पाए जाते हैं, वो डांसिंग डियर्स के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। मतलब चलते हैं तो पानी हिलता है तो ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, और ऐसे टाइप के जो सेंगाई हैं जो डियर इनको सेंगाई कहते हैं, और ये इकलौता आपको पूरे पूरे एरिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपको यहीं पे ऐसे ऐसे टाइप के डियर मिलेंगे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। डियर कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें डियर्स ही है ना। अब नहीं दिखाई दे रहा सर, उससे ये थोड़ी बोल देंगे कि भगवान नहीं है। अच्छा आप आसाम से हो गया? तभी काजीरंगा की तारीफ हो रही है। हमारे सर तुरंत तारीफ कर दी है, काजीरंगा जाओ, जैसे हमने मैं नहीं बोलता बनारस जाओ, ऐसे सर बोल रहे हैं काजीरंगा जाओ। हर जगह का अलग अलग वो है सर, काजीरंगा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ये बहुत छोटा है। जंगल तो है लेकिन देखा एक भी नहीं दे रहा है। तो सर ये बहुत छोटा भी तो है, कौन नहीं भाई तो बहुत छोटा है। अरे काजीरंगा देख रहे हो आप कहाँ है, ये कितना बड़ा है। काजीरंगा में बहुत तरीके के जानवरों का देख रेख भी की जाती है, ये तो अभी रिकॉग्नाइज होना चालू हुआ है। अभी हो रहा है, माने तो दलदल है, पानी नीचे ऊपर में वो नेशनल पार्क। ये देखो ये है खैबुल लैम्बोजो नेशनल पार्क, खैबुल पता नहीं क्या नाम है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो आप वहाँ से वो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को वो पेड़ आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे बैरियर लगा हुआ है वहाँ पे, तो लोग इधर नहीं आ रहे, लेकिन मैं हम लोगों ने हिम्मत की, और जानते हो कहाँ से हैं तो थोड़ी सी हिम्मत की, और ये देखो नज़ारा ये देखने को मिला, कैसा फील हो रहा था? खतरनाक लग रहा है ना। आप लोग आप इनके बेटे हो गया? मेरा अंकल है। हाँ बेटे ही हुए ना, बेटे हाँ चाचा बेटे ही, अंकल ग्रैंडफादर बड़े पापा ताऊ जी। ये देखो क्या लग रहा है उधर, वो पूरा वो जो है ना उधर से, हम मैं कल आया था, मैं उधर से कल आया था। हाँ कैमरे में वो नहीं आ रहा है जो मजा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ बहुत दूर तक एकदम एक सपाट एरिया आ रहा है, उसकी वजह से खूबसूरत लग रहा है।
यहाँ पे एक चीज और मुझे मतलब नोटिस की मैंने, यहाँ पे बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं और बाइनोकुलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जबकि बाकी जगहों पे मैंने बाइनोकुलर्स देखे थे उस पर उसका वो लोग चार्ज लेते हैं। देखो कितना बढ़िया, और काफ़ी यहाँ पे भीड़ लग रही है क्योंकि उधर वाले जिधर अभी मैं गया हुआ था उधर मधुमक्खी है तो लोगों ने रोका उधर जाने से। बाकी लंबा होने का ये फ़ायदा होता है, आपको कहीं से भी क्लियर हो जाता है। अफ्रीका वाला व्यू आ रहा है, जैसे अफ्रीकन लैंड में जाओगे आप, वहाँ के उसमें नेशनल पार्क में जाओगे तो वहाँ पे एकदम पूरा दूर दूर तक क्लियर दिखता है ना, वैसा फील हो रहा है। और हमारे रोमियो दादा ये रहे, ब्रो 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 मेरे में आते आ रहा है तो देखो इधर से भी चलने का टाइम हो गया, अब हम शायद जाएंगे लोकटक में और फिर लोकटक से वापस चले जाएंगे इम्फाल के लिए, क्योंकि दादा को भी लेट हो रहा है, उनको भी काफ़ी मतलब अपना काम वाम करना है, शायद दो दिन में वो निकलेंगे भी। चलो सर चलता हूँ, बाय सर, मुझे भी लिफ्ट दे दोगे उधर तक? चलो लिफ्ट मिल गई, बाय बाय सर, लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट नहीं मिलती तो मेरा क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। हमारे सर पता है, अच्छा दादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बस हम लोगों को व्यू देखने में पसंद है कि कितना खूबसूरत। दादा बोला है क्या ये बेकार है, ये यहाँ पे हमें जानवर तो मिल ही नहीं रहे। मैंने बोला वाह, हम दोनों ने देख लिया सेंगाई को, बस ये है कि दूरबीन से देखा, मतलब बाइनोकुलर से देखा था, उससे नहीं दिखा, क्लियर आंखों से नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा भी दिखा, झलक ही दिखी, लेकिन दिखी तो कम से कम, मजा आ गया देख के। अब हम लोग जा रहे हैं लोकटक, लोकटक चल रहे हैं, अब लोकटक चलेंगे, उसके बाद सीधे सीधे इम्फाल निकल जाएंगे। लोकटक भी क्या है, चलते हैं देखते हैं लोकटक कैसा होता है। जो देखने आया था वही आ गया, देख लिया और खुश है देख के बहुत ज्यादा। फिर कभी दिन भी फिर आता है, आंखों के सामने देख सकता है। हाँ, और क्या है? ये पता तो चल गया, और ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मतलब 251 ही है। हाँ 251 ही है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं है कंफर्म। हेलो मिस्टर रोमियो सर, कैसे हो? ठीक हो, थैंक यू दीदी। दीदी हम लोग आए हुए हैं कुछ खाने के लिए, तो हम लोगों ने बोला क्या खाएं दोनों, मैं और रोमी भैया, तो हम लोग आए खाने के लिए एक दुकान में। ये देखो यहाँ का फ्राइड राइस बेसिकली हम लोगों ने मंगवाया, कितना बढ़िया से लेकर आए हैं। ये नीचे एक टोकरी जैसा है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कमल का पत्ता है ना, लोटस वही, उसको हिंदी में कमल कहते हैं, तो लोटस का पत्ता है, उस पर ये खाना दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एक बार देखो आप। That's called incredible Manipur, है? तो प्लीज़ मणिपुर में आकर ये खाइए और मुझे भी खिलाइए। तो दोस्तों फाइनली अब ब्लॉग को एंड करते करते आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे फेमस, इम्फाल का सबसे फेमस लोकटक लेक। ये देखो आप, ये रहे हमारे मिस्टर धन्नो रोमियो जी, और ये पूरा है अपना लोकटक लेक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू आता है यहाँ से, आपको सामने पहाड़ मिलेगा, इधर प्लेन मिलेगा मेरे पीछे, और ये है आपका लोकटक लेक। तो यहाँ पे आके आप घूम सकते हो, बाकी पहले इसमें लोग बीच बीच में घर बना के रहते थे, आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, अभी वैसा काफ़ी कम हो गया, अभी वैसा नहीं है, नहीं है ना भैया? नहीं कुछ भी नहीं, अभी सब सरकार निकाल दिया, रहने नहीं दे रहा है। रीज़न है कुछ, क्योंकि अंदर काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती थी उन लोगों को, तो कोई देखने रखने वाला नहीं होता था, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से देखो एक बार, ये पूरा पहाड़, इन्हीं पहाड़ों पे थे कल से हम, कल हम आए थे। तो जो जितने मशीन पड़े हुए हैं देख लीजिए, ये सब मशीन लगा के अभी सरकार सफाई कर रही है, सफाई करने दे रहा है, फिर पूरा जब क्लीन हो जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा। मतलब आने वाले समय में मणिपुर का टूरिज्म बहुत तेजी से एक्सपेंड होने वाला है, और मणिपुर का ही नहीं, वो पूरे इंडिया का टूरिज्म एक्सपेंड होने वाला है। तो टूरिज्म में हमें, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी है, उसमें हमारे कश्मीर में 980 करोड़ रुपए दादा, कश्मीर घाटी में 980 करोड़ रुपए का पैकेज गया है रिन्यूअल के लिए, तो सोचो क्या हाल होगा। वो मछली मार पकड़ रहा है ना, अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, इस तरफ में भी है। मतलब लोकटक लेक दोनों साइड में, बीच में रोड गई हुई है, वो भी एकदम पतली सी। ये जो हम दोनों आ रहे हैं ना, ये लोकटक बीच में बनाया हुआ रोड है, पहाड़ देख रहे हैं ना, लोकटक बीच में है।
शहर में भी लोकटक है, शहर में लोकटक। मतलब लोकटक लेक बहुत बड़ी है, अगर उधर आप कहीं देखो तो वहाँ से लेके ये सब लोकटक लेक में ही आता है। इधर पूरा लोकटक लेक है, फिर इधर सड़क है, सड़क के उधर भी लोकटक लेक है। तो अगर आप प्रोफेशनली अगर लोकटक लेक घूमना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। मुझे तो बहुत भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे फील हो रहा है। लेकिन वही है कि पैसे की किल्लत, नहीं जा सकते हम लोग अंदर मज़े करने के लिए। वो तो इनकी वजह से मैं घूम ले रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आता लोकटक घूमता और चला जाता, इतनी जगह नहीं घूमता जितना आज आप लोगों ने वीडियो में देखा है। दोस्तों गाड़ी पे कैसे कब्जा करते हैं, अगर सीखना है तो मुझसे सीखो। बोलो भैया। दादा को समझ में नहीं आ रहा है कि रिकॉर्ड कैसे करना है, तो दादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, वो अपनी तरफ ही रखे जा रहे हैं। और बहुत दिनों बाद, एक साल बाद कम से कम गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो तो पकड़ो, ऐसे 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 पकड़ो आप, बस ऐसे जैसे मैंने दिया है ना ऐसे ही पकड़े रहो। चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को क्लोज करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पीछे की साइड और भैया जा रहा है स्ट्रेट, क्योंकि भैया को जाना है अपने घर। फिर मिलेंगे, लाइफ रहेगी तो ठीक है, जिंदा रहना, मैं तो रहूँगा। जैसे ही पहुंचना आप एक बार कॉल मार देना मुझे। बहुत बढ़िया इंसान थे, इनकी वजह से मैं घूमा हूँ, इनकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बच्चे जरूर बड़े होकर आपका नाम रोशन करें और फिर बोले कि मैं अंकित भैया ने मेरा नाम रोशन करवाया। चलो भाई ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मियां। ओके ओके ओके, वही फर्स्ट पार्किंग है। ओके बाय। इधर से ऑटो बैठेगा 10 मिनट लगेगा, फर्स्ट पार्किंग पर। एक भाई भैया ने तो छोड़ दिया, अब हम चल रहे हैं अपने यूथ हॉस्टल पे, यूथ हॉस्टल पे मिलता हूँ आपसे।